साइन करिए अपना फोन नंबर डालिए। मास्क सब पहन के रखिए कृपया करके। किन्ने प्राइवेट किया आप लोगों को? प्रिंसिपल द्वारा प्राइवेट कर दिया गया। आखिर क्या कारण है प्राइवेट करने का? प्राइवेट करने का कारण यह है कि जो टीचर हमें पढ़ाया करती थी केमिस्ट्री वाली और बायो वाली, उन्होंने हमें बोला था कि 11th में हम उनके पास कोचिंग गए थे, उन्होंने हमें कहा था कि अगर 12th में हमारे पास नहीं आओगे तो हम तुम्हें प्राइवेट। किसके पास कोचिंग जाया करते थे आप और कौन मैडम थी जिन्होंने आपको इस तरह से कहा था? देशमुख मैडम और झगड़े। अभी कलेक्टर महोदय ने को आपने जब ये बात बताई तो कलेक्टर महोदय के क्या कहना है? उनका कहना ये है कि तुम कागजी रूप में प्रूफ नहीं कर पाए। अच्छा, और जब इसके बाद इसको लेकर कोई शिकायत की थी आपने अधिकारियों से बात की थी टीचरों को लेकर, उनका क्या कहना था? उन्होंने आश्वासन दिया था और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में पीओ साहब से चर्चा की आपने? जी। क्या कहते हैं? उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने अपनी गलती भी मानी आपने शिकायत कहाँ कहाँ पर की है? हमने स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल सर को की थी। हाँ? बीओ सर को भी की थी, एसी मैडम को भी की थी और तहसील में भी की थी। सीएम हेल्पलाइन में आपने लगाया था तो आप पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि सीएम हेल्पलाइन बीओ सर के द्वारा कि सीएम हेल्पलाइन निकालो, क्या मामला था? हम घर पे आए थे बीओ सर, उन्होंने हमें बोला था कि तुम कंप्लेंट वापस ले लो, हम तुम्हें रेगुलर कर देंगे। क्या उसके बाद भी रेगुलर किया इन लोगों ने? नहीं, उसके बाद हमने सीएम हेल्पलाइन से कंप्लेंट वापस ले ली थी और उन्होंने हमें बोला था कि हम कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। हमने 2 महीने बाद हम फिर से बीओ सर के ऑफिस में गए, पर बीओ सर ने हमें ये कहा कि अब नहीं हो पाएगा। अच्छा, यानी आप लोगों को धमकी दी शिकायत हटाने को लेकर, प्रेशर बनाया आप लोग? जी, उन्होंने प्रिंसिपल सर ने तो ये तक कि कह दिया था कि मैं जहर खा लेता हूँ या फिर फांसी लगा लूंगा। आप लोगों को इस तरह की धमकी दी? जो वो छात्रा है उससे लगभग मेरी 10 से 15 मिनट कमरे के अंदर ऑलरेडी चर्चा हुई थी जनसुनवाई के दौरान। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके उस स्कूल से डायरेक्टली अटेंडेंस रजिस्टर को भी बुलवाया था। छात्रा का मुख्य रूप से आरोप ये है कि जो बच्चे हैं उन लोगों की गलत एब्सेंट लगाई गई है और जानबूझ के इस प्रकार से गलत एब्सेंट लगाने की वजह से उनकी अटेंडेंस जो है वो 65% से कम हो गई, जिस वजह से उनको मार्कशीट के ऊपर प्राइवेट छात्र के रूप में दर्शाया गया। उनकी मांग ये है कि उनको रेगुलर छात्र के रूप में दर्शाया जाए जिसके लिए 65% से ज़्यादा अटेंडेंस अनिवार्य है। हालांकि ये मुद्दा क्योंकि 2 बार मेरे सामने रेज किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर संभव है कि कुछ गड़बड़ की गई हो। तो हम लोगों ने ये निर्देशित किया है कि कंसर्न आचार्य को और टीचर को एक नोटिस जारी करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण देंगे, फिर इस पर यथोचित निर्णय लेंगे। तो उसमें बताया जाता है कि एक तो कैसे भी कंप्लेंट कैरी थी और जो रजिस्टर में मार्किंग है तो वो एक छात्रा की नहीं, कम ऐसे 33 छात्र छात्रा है। मेरे सामने ऐसे 3 छात्र छात्राओं की जानकारी आई है जो एसी ट्रेवल के माध्यम से आई है। रजिस्टर हमारे सामने रखा गया था, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर हमने बुलवाया नहीं था। अगर आपकी तरफ से ये फीडबैक मिल रहा है कि 33 हैं, हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से 3 हैं, तो पूरे रिकॉर्ड को अच्छे से देखकर ही इसमें निर्णय लिया जाए।